हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जागरण जोश का न्यूज़, माइक्रोसॉफ्ट टू रिटायर इंटरनेट एक्सप्लोरर इन जून 22। तो यहाँ पे जो है 2022 में जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, तथा इसके बाद इसको जो है हम लोग यूज़ आगे नहीं कर पाएंगे। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने 19 मई 2021 को यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को 15 जून 2022 में रिटायरमेंट दिया जाएगा। इसका मतलब है कि इसे जो है बंद कर दिया जा रहा है और कंपनी की तरफ से आगे से कोई भी इसमें अपडेट नहीं मिलेगा। हालांकि इसके बदले में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया है जिसको हम लोग जो है इसे यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहा है कि जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को क्यों बंद किया जा रहा है, तो इसका आंसर होगा कि अभी जो है मार्केट में इससे बढ़िया सिक्योर फास्टर वेब ब्राउज़र उपलब्ध है, जैसे आपका हो गया गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, तो ये सभी जो है उपलब्ध है। मेन बात है कि जब से गूगल क्रोम आया है उसने वेब ब्राउज़र का मार्केट पूरा अपने तरफ कर लिया है और सही मायनों में यह इंटरनेट एक्सप्लोरर से बढ़िया है, सिक्योर है। हम लोग यह नोटिस किए होंगे कि कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले से इनबिल्ट होने के बावजूद लोग गूगल क्रोम, फायरफॉक्स इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट एज लॉन्च किया है जिसमें हमें बढ़िया क्वालिटी, सिक्योर, फास्टर तथा मॉडर्न इंटरनेट ब्राउज़र की तरह जो है इसे लॉन्च किया जा रहा है। और मेन बात है कि इसे जो है अभी एंड्रॉयड में भी लॉन्च किया जाएगा। जो पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था उसमें एंड्रॉयड वर्ज़न नहीं था और अब जो है इसे एंड्रॉयड में भी लॉन्च किया जाएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये आपका 1995 को लॉन्च किया गया था, यानी कि 26 साल पहले इसे लॉन्च किया गया था और फाइनली अभी जो है इसे रिटायरमेंट मिल रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है यहाँ पे इसको 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन ये विंडो तथा एंड्रॉयड ये सब में अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे 2021 में जो है इसे विंडो, एंड्रॉयड ये सब में अवेलेबल किया गया है। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जानते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ये इसका जो अभी वर्तमान में CEO जो है यहाँ सत्य नडेला जी है, और 2014 से ये जो है CEO है, और इसके जो फाउंडर यानी मालिक जो है यहाँ पे बिल गेट्स और पॉल एलन है जिसको ये फाउंड किया था 1975 में।